में थे और अब आने वाले 21st से आप लोगों की एग्ज़ाम्स है। बहुत ही मतलब प्रीशियस टाइम है ये, बचा हुआ भी डेज 10-11 दिन बचे हैं एंड आप लोग डिप्रेशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, ये मुझे मालूम है। और ये जो स्ट्रेस है वो सबको आता है बोर्ड एग्ज़ाम के पहले, यहाँ तक कि मुझे भी आता है। बट इस स्ट्रेस को निगेटिव ना लेके हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेस है इससे डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं, तो ये हमारी जो है ना निगेटिव शक्ति हो गई। लेकिन इसी स्ट्रेस को अगर हम पॉजिटिवली लें और अगर हमें टेंशन आ रहा है पढ़ाई का, हमें तकलीफ़ हो रही है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उसी स्ट्रेस को, उसी टेंशन को अगर पॉजिटिवली लें और हम प्लान करके मेहनत करें, तो कहीं ना कहीं यही जो स्ट्रेस है हमें काफ़ी आगे लेके जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखो कि अब जो ये बचे हुए दिन है इसको पॉजिटिव लो। जो भी आपने किया, साल भर किया, बहुत अच्छा किया आपने, जून के बहुत पहले से पढ़ाई की ट्वेल्थ की, और ट्वेल्थ के अंदर आपने इतना मेहनत किया, आप कॉलेज जाते थे, प्रैक्टिकल करते थे, सारे लेक्चर्स बैठते थे, आप लोग क्लासेस में जाते थे, वहाँ पर सीखते थे, सब कुछ किया आपने, उसके बावजूद घर पे जाके भी आप डेली 3-4 घंटे पढ़ते थे। लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट होता है कि वो कितना भी पढ़ाई करे कम है, और अभी जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम है। और अगले साल के बाद ट्वेल्थ का सिलेबस चेंज होगा, लेकिन अभी भी जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है, और तुम लोग 11 से ही ट्वेल्थ की स्टडी कर रहे हो, फिर भी अभी ऐसा आपको फील हो रहा है कि मेरा कुछ हुआ ही नहीं है पढ़ के, आपको दिमाग में आ रहा है ऐसा? बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपका हुआ है पढ़ के। आपने 1.5 साल ट्वेल्थ की पढ़ाई की, बट जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है वैसे वैसे हमारे मन में एक डर आ जाता है कि यार मेरा तो कुछ पढ़ के नहीं हुआ, मैं कैसे करूँ। और क्या होगा कि ये डर की वजह से हम पीछे भी जा सकते हैं, हम फेल भी हो सकते हैं, बहुत कम परसेंट आ सकता है। लेकिन इसी डर की वजह से, इसी स्ट्रेस की वजह से अगर आप अपने को बूस्ट करते हो और अपने दिन रात एक करके, अब तो आपके कॉलेज भी बंद हो गए, सारे लेक्चर्स बंद हो गए, पूरा का पूरा 24 आवर्स आपके पास है। अगर इसी डर और स्ट्रेस को आप अपने लाइफ में पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, प्लान करते हैं, 24 घंटे में से ज़्यादा जो टाइम, मैक्सिमम टाइम है, आप यूटिलाइज करते हैं, तो यही आपकी शक्ति बन जाएगा। और कहीं आप 60-70 सोच रहे थे, 80-85 के ऊपर आप जा सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से लेना, पॉजिटिव लेना। और रही बात आगे, सबका प्रेशर है, मुझे पता है आपके पेरेंट्स का, टीचर्स का, कहीं ना कहीं आपको अपने आप का प्रेशर है कि अगर मैं नहीं ला पाया, टेंथ में मुझे 90% थे, 80% थे, अभी मेरा 50-60% आ गया, तो लोग क्या कहेंगे। ये भी हमारे ऊपर एक खुद का जो है सेल्फ प्रेशर होता है, अपने आप से हम बोलते रहते हैं मेरा कम परसेंट आया तो मुझे सब चिढ़ाएंगे या मैं डिफेम होऊंगा, तो ये हमारे अंदर होता है। तो इसको भी आप पॉजिटिव लो, ऐसा होगा मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इसीलिए ये सोच के पढ़ाई करो ताकि मेरी इज्जत कम ना हो, मेरे मार्क्स ज़्यादा है। फिर भी अगर ज़्यादा ही हमारे ऊपर लोड आ रहा है और लग रहा है, तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा लोड मत लो, आपसे जितना होता है उतना ही करो। आपको लगता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, उतना ही करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि 90% ही लाना, और कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 50-60% आया तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसीलिए आपको जितना सहन हो रहा है स्ट्रेस या प्रेशर, उतना ही सहन करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में मत लो, ज़्यादा सोचो मत, पहले तो ये बोलो, ज़्यादा कुछ सोचो मत। आप एक माइंड में रखो कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है और जितना होता है उतना करना है, प्लान करके करो, जैसे भी हो रहा है प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो। क्यों? ज़रूरी नहीं है कि जिसने 80-90% लाया उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया, और जिसने 50-60% लाया उसने कुछ नहीं किया। मैंने देखा है कि जिसने 11th-12th में अच्छे से स्टडी किया है, कभी कभी उनका 12th में कम परसेंट आया है। हमारे पुराने स्टूडेंट थे, 12th में कम परसेंट आया, शायद उनका पेपर खराब हुआ या लास्ट मोमेंट में उन्होंने अच्छे से रिवीजन नहीं किया, बट साल भर उन्होंने पढ़ा था 12th का अच्छा, बट उनका पेपर खराब हुआ, रिजल्ट जो आया वो 60-65% आ गया, जबकि उनकी एक्सपेक्टेशन थी 80-85%। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं तो 12th में कम परसेंट आ गया, लेकिन आगे चल के क्या हुआ उनके साथ कि उन्होंने एक्चुअल स्टडी की थी 11th-12th में,
उन्होंने सारे कंसेप्ट को समझा था, तो आगे चल के वो इंजीनियरिंग में उस लड़के ने एडमिशन लिया, एक लड़के का जो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पनवेल में पिल्ले कॉलेज में क्या किया, वहाँ जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया उसका एडमिशन तो हो गया, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा भरना पड़ा उसको प्राइवेट कॉलेज में क्योंकि ट्वेल्थ में कम परसेंट आए थे। वहाँ पर जाने के बाद जब वो सीखने लगा, वहाँ पर फर्स्ट ईयर में सब कॉमन सब्जेक्ट होते हैं इंजीनियरिंग में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह सबके लिए, सब ब्रांचेस के लिए सेम होता है, तो वहाँ पर उसको वो सारे रिकॉल होने लगे जो भी उसने ट्वेल्थ में सीखा था, वहीं पर वो सारी चीज़ें थोड़ी एडवांस थी, उसमें वो एक्सपर्ट था, वहाँ करने लगा, उसको फर्स्ट सेम सेकंड सेम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, थर्ड फोर्थ सेम यानी सेकंड ईयर में और अच्छा परसेंट आया, और फोर्थ ईयर में तो उसने कॉलेज का टॉप कर दिया। यानी अगर वो ट्वेल्थ में नहीं किया फिर भी इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने टॉप कर दिया। क्यों कर पाया वो? क्योंकि ट्वेल्थ में उसने स्टडी किया था, लेकिन ट्वेल्थ के लास्ट मोमेंट में उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, रिविजन नहीं हुआ या एग्जाम में कम मार्क्स आए, फिर भी उसने इंजीनियरिंग के फोर्थ ईयर में अच्छा टॉप किया और उसको कैंपस में जॉब मिल गया, और आज वो 5 डिजिट सैलरी ले रहा है कंपनी से, अच्छा खासा कमा रहा है। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ आपको, लेकिन आज इतने ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, कि अगर आपका परसेंट कम आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जो सीखा है उसको भूलना नहीं, लाइफ में हर एक सीखी हुई चीज़ कभी न कभी काम आती है, इसको दिमाग में रखो। ज़्यादा प्रेशर मत लो, प्रेशर टेंशन आ रहा है उसको पॉजिटिव लो, पॉजिटिव तरीके से उसमें काम करो, और आप दिन भर फ्री हो, अपना जो प्लानिंग है उसको इस तरह से करो कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, नाश्ता भी कर रहे हो, कुछ खा पी भी रहे हो, थोड़ा सा आराम भी कर रहे हो, ऐसा नहीं हो कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है, सब बोल रहे पढ़ना, दिन भर बुक लेके ही बैठे, बैठना ही है बट थोड़ा एक एक देर देर करने के बाद ब्रेक लो, एकदम फ्री हो के पढ़ाई कर रहे, मतलब कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा कर रहा हूँ दिन भर बैठ के, आप रेगुलर काम कर रहे हैं ऐसा लगना चाहिए, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, एक डेढ़ घंटा पढ़ना है प्लानिंग करके थोड़ा सा ब्रेक ले लो, गाने भी सुनो 15-20 मिनट, कुछ खाते पीते रहो, फिर एक घंटा डेढ़ घंटा कुछ नेक्स्ट सब्जेक्ट लो इस तरह से, या उसी सब्जेक्ट को जैसे दिन भर का आपने प्लान किया करो, यानी फ्री हो के रिलैक्स हो के करना है, ऐसा नहीं करना है कि मैं बस अब इसको लिया बहुत बड़ा टास्क लेके बैठा हूँ, तो आप फ्रीली करो, समझ के करो, हो जाएगा, जरा भी बटन मत लो, और आने वाले 10-11 दिन जो है आप रिवीजन में डालो, पेपर सॉल्विंग करो, आपने पढ़ा हुआ है एक बार वापस जब देखोगे तो आपको सब रिकॉल होगा, कुछ टेंशन मत लो, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और जब आप पेपर दोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पेपर शुरू होते ही जिस दिन लास्ट पेपर होगा आपको लगेगा अरे अभी तो पेपर शुरू हुआ था, पेपर ख़त्म भी हो गया, और उसके बाद जो है अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे जेई मेन्स सीटी या नीट, तो उसके लिए आपको फ्री टाइम मिल जाएगा 1-1.5-2 महीने का, तो उसमें आप लोग एंट्रेंस की रिलैक्स होके तैयारी करना, बिकॉज उसका स्टडी पैटर्न अलग है, आपको पता ही है कि उसकी जो एग्ज़ाम्स होती है एमसीक्यू टाइप होती है, उसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही करना है बस। ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम है न्यू पैटर्न है, इसमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं है इस बार, डरो मत, पेपर ईजी आएगा, जितने सैम्पल पेपर्स मैंने तुमको बताए हैं जो शिक्षण संक्रमण की मैगजीन वाले पेपर्स और भी मैंने कुछ पेपर्स दिए हैं, तो उसको प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है समझो अभी कि 3-3 घंटा बैठ के कैसे सॉल्व करें, तो उसको क्या करो सिर्फ क्वेश्चन देखो कि मुझे कौन सा आ रहा है नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको प्रैक्टिस करो, जो अपने को मालूम है कि ये आ रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ रहा है दूसरा आ रहा है तो ठीक है, थर्ड नहीं आ रहा है तो उसको स्टडी करो, एक बार रिविजन करो, प्रैक्टिस करो पेपर्स का, आपका हो जाएगा। सो डोंट वरी, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, और आपका सबका पेपर अच्छा जाएगा, और फ्यूचर में अगले साल आप लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में होंगे, आपको जो डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग मेडिकल फार्मेसी, या आप किसी नर्सिंग में जा रहे हो या बीएससी आईटी में जा रहे हो, आईटी लाइन में जा रहे हो, आप सभी का एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के लिए आगे क्या करना है उसके लिए मैं आपको गाइड करते रहूँगा, किस तरह से कैप राउंड होगा, इंजीनियरिंग होगा, फार्मेसी का राउंड होगा, वो हम लोग, मैं पूरा आपको हेल्प करूँगा एडमिशन प्रोसेस में, और सबका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाता है, कोई छूटता नहीं है, किसी को कम मार्क्स आ गए सीटी में या ट्वेल्थ में उसका भी इंजीनियरिंग में होगा, बट ये होगा थोड़ा पैसे ज़्यादा लगेंगे या तो कॉलेज दूर होगा, जिसका ज़्यादा मार्क्स आया उसको नज़दीक में हो सकता है। और एक बात, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनको पहले से बता दूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रखो, महाराष्ट्र में आप हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पिताजी की इनकम सर्टिफिकेट, तो इंजीनियरिंग के लिए कोटा है TFWS यानी ट्यूशन फी वेवर स्कीम, उस स्कीम के अंदर ना कम फीस में एडमिशन होता है, तो उसमें हो गया तो आपके पिताजी के पैसे भी बच जाएंगे, उसको मैं बाद में आपको एग्जाम के बाद डिटेल में बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अपना इतना कीमती टाइम निकाल के आए, बिकॉज मैं जानता हूँ कि ये जो 11-12 दिन है आपके लिए बहुत कीमती है, उसका एक एक घंटा एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, और ये जो लड़के इनका मैं डबल थैंक यू बोलूँगा, ये लड़के और ये लड़के, बिकॉज आपने इतना इंतजार किया है प्रोग्राम स्टार्ट होने के लिए, आप इतना देर बाहर खड़े रहे अकेले मेरे आने तक, मेरा वेट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यानी ये लड़कों का
ये देखो क्या होता है मालूम है, कभी कभी लड़कों का परसेंट कम आता है, कभी कभी आता है लड़कों का, और लड़कियों के परसेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो लड़कों को ये समझना चाहिए, कोई बात नहीं, जिन लड़कियों के परसेंट ज़्यादा आते हैं आगे शादी करके हमारे ही घर आने वाले हैं, तो ऐसा सोचना चाहिए। सो डोंट वरी एंड ऑल द बेस्ट।